की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते हुए हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर आज होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की चार बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में चार के चुनावी चक्रव्यूह को आज हम समझाने वाले हैं और क्या चुनाव से पहले INDIA में बड़ी टूट होगी, ये खबर भी आपको समझाएंगे। शराब कांड पर क्या बोले हैं लालू प्रसाद, वो भी सुनवाएंगे और समझाएंगे भी। दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तारीकरण, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन, खबर तो समझिए। और बिहार की चार सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए NDA के बाद INDIA गठबंधन ने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है कि कहां किसका किससे मुकाबला होना है। बिहार में चार का चुनावी चक्रव्यूह रच दिया गया है। चार सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में NDA के बाद INDIA गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तीन सीट से RJD के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, तो एक सीट CPIML के खाते में गई है। इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से श्री अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव जी CPI माले के कैंडिडेट हैं। इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ की सीट RJD के खाते में गई है, तो तरारी से CPIML का उम्मीदवार मैदान में होगा। INDIA की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के साथ ही साफ हो गया कि कहां पर किसका किससे मुकाबला है। तरारी विधानसभा सीट पर BJP की ओर से विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में हैं, तो CPIML के उम्मीदवार के रूप में राजू यादव ताल ठोक रहे हैं। विशाल प्रशांत तरारी के पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। रामगढ़ सीट की लड़ाई भी काफी दिलचस्प हो गई है। BJP ने पूर्व विधायक अशोक सिंह को मैदान में उतारा, तो RJD ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को टिकट दे दिया। इमामगंज में दो मांझी के बीच जंग है। NDA की ओर से हम की दीपा मांझी चुनावी मैदान में, तो RJD ने रोशन कुमार मांझी को टिकट दे दिया है। बात उपचुनाव की चौथी सीट यानी बेलागंज की अगर करें, तो यहां से NDA ने JDU के पूर्व MLC मनोरमा देवी को मौका दिया, तो RJD की ओर से विश्वनाथ कुमार सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि 2024 में हो रहे उपचुनाव के हालात 2020 से थोड़े अलग है। इस बार बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने सभी चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे फर्क कितना पड़ता है ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में चार सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तरारी में BJP से विशाल प्रशांत और CPIML से राजू यादव उम्मीदवार हैं। वहीं बेलागंज में JDU से मनोरमा देवी का मुकाबला RJD के विश्वनाथ कुमार सिंह से होगा। इसके अलावा अगर रामगढ़ सीट की हम बात करें, तो BJP के अशोक कुमार सिंह की चुनावी लड़ाई RJD के अजीत कुमार सिंह से होनी है। अशोक कुमार सिंह 2015 में BJP से विधायक रहे, तो अजीत कुमार सिंह RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और सांसद सुधाकर सिंह के भाई हैं। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी का मुकाबला RJD के रोशन कुमार मांझी से है। उपचुनाव की लड़ाई को समझने के लिए साल 2020 के चुनाव परिणामों को आपको पहले समझना होगा, तो आइए पहले उसको समझ लेते हैं। 2020 में मुख्य मुकाबला CPI के सुदामा प्रसाद और निर्दलीय नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे के बीच रहा। CPI के सुदामा प्रसाद को 73,995 वोट मिले थे, जबकि सुनील पांडे को 62,930 वोट मिले। BJP के कौशल कुमार विद्यार्थी को महज 13,833 वोट से संतोष करना पड़ा, और यही वजह है कि BJP ने इस बार सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट दिया है। बेलागंज की अगर हम बात कर ली, तो 2020 में यहां RJD के सुरेंद्र यादव और JDU के अभय कुशवाहा के बीच मुकाबला था। सुरेंद्र यादव को 79,708 वोट मिले थे, जबकि अभय कुशवाहा को 55,745 वोट मिले थे। LJP के रामाश्रय शर्मा भी 12,005 वोट लेने में सफल रहे
और अब सुरेंद्र यादव और अभय कुशवाहा दोनों आरजेडी से सांसद हैं। और ऐसे में इस बार जेडीयू ने बेलागंज विधानसभा सीट से यादव जाति से आने वाली पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को मैदान में उतार दिया है और आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की गई है। मनोरमा देवी के पति बिंदेश्वरी प्रसाद यादव या बिंदी यादव का इलाके में बहुत अच्छी पकड़ बताई जाती है। वहीं आरजेडी ने विधायक से सांसद बने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। और अब बात अगर रामगढ़ सीट की कर लें तो 2020 में ये सीट आरजेडी के खाते में गई थी और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने बहुत कम मार्जिन से जीत दर्ज कर ली थी। सुधाकर सिंह को 58,083 वोट मिले तो बीएसपी के अंबिका सिंह को 97,894 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के अशोक सिंह को 56,084 वोट मिले। यानी बीजेपी के अशोक सिंह करीब 2,000 वोट से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने फिर से पूर्व विधायक अशोक सिंह पर ही भरोसा जताया है, जबकि आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह को टिकट देकर एक बार फिर रामगढ़ सीट को जगदानंद सिंह के ही परिवार में रखने की मुकम्मल कोशिश की है। वैसे बसपा ने रामगढ़ के पूर्व विधायक अंबिका सिंह के भतीजे सतीश सिंह उर्फ पिंटू यादव को अपना कैंडिडेट बनाया, जिससे इस बार भी ये लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है। वहीं इमामगंज सीट की भी हम बात करेंगे। 2020 और आरजेडी के बीच इसमें सीधी लड़ाई देखने को मिली थी। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी को 78,762 वोट मिले थे तो वहीं आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को 62,728 वोट मिले थे। वहीं एलजेपी की कुमारी शोभा सिन्हा को 14,197 वोट मिले थे। और इमामगंज की सीट एक बार फिर मांझी परिवार के पास ही रह गई है। दरअसल जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी इमामगंज से हम के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी ने मांझी समाज से ही आने वाले रोशन कुमार मांझी को उम्मीदवार बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि मांझी जाति को साधने की कोशिश जो की गई है उसमें जीतन राम मांझी सफल होते हैं या अन्य जो रोशन मांझी इस बार चुनावी रणभूमि में है उनको सफलता मिलती है। बढ़ते आगे, एनडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे के साथ ही विवाद हो गया है। कम सीट मिलने से आरजेडी बेहद नाराज है और खुलकर मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रही है। कांग्रेस जीएमएम को फिर से इस फॉर्मूले पर विचार करने का अल्टीमेटम तक दिया है और ऐसे में आशंका है कि अगर बात नहीं बनती है तो कल सुबह 11 बजे के बाद गठबंधन की गांठ खुल भी सकती है। इंडी गठबंधन में फॉर्मूले पर फसाद। क्या चुनाव से पहले होगी बड़ी टूट? आरजेडी गरम, साथियों को अल्टीमेटम। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। इंडी गठबंधन में जैसे ही सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हुआ, गठबंधन में ऑल इज वेल कहने वाले नेताओं के दावे की हवा निकलती दिखी। सीएम आवास पर बातचीत और फॉर्मूले में कम सीट मिलने से आरजेडी को इतना जोर का झटका लगा कि दर्द सबके सामने आ गया। कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। रांची में मीडिया के सामने पार्टी की पीड़ा सुनाने बैठे मनोज झा ने कहा, 3 से 4 सीट पर लड़ने के लिए कहना किसी के सामने अपना गला काट कर रखने जैसा है। झारखंड में 22 सीट पर मजबूत जनाधार का दावा कर रहे आरजेडी ने सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सोमवार 11 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा, लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे किसी भी विकल्प के अनुरूप उसके आलोक में। तो आप 3 या 4 पे लड़िए। तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। जिस पार्टी का जहाँ जो हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए।
तो अभी आप हक के हिसाब से कितनी सीटें कह रहे हैं? उनको सब फीडबैक मिल गया है, आज हो जाएगा फाइनल? ज्यादा में नहीं हुआ तो अकेले लड़ेंगे कि तैयार है पार्टी? नहीं हुआ तो पार्टी चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी साफ शब्दों में जेएमएम कांग्रेस को हिदायत दे रहा है कि सीटों की संख्या पर सम्मान से समझौता नहीं होगा। हालांकि आरजेडी के इस प्रेशर पॉलिटिक्स पर कांग्रेस जेएमएम का दावा है कि जल्द ही आरजेडी नेता फिर से गठबंधन में भी ऑल इज वेल का दावा करेंगे। ये आपस का हम लोगों का मामला है, हम लोग बैठकर समझ लेंगे, अन्यथा बातें से बात बहुत बिगड़ती भी है और बात से बात बनती भी। हम लोगों ने अपना चर्चा की है और उस चर्चा से वो भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं करना होगा, बहुत जल्द मनोज झा जी जो हमारे भाई हैं वो बयान देंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है। जाहिर है सीटों के बंटवारे के साथ ही इंडी गठबंधन में गांठ सबके सामने आ गई है और अब टूट की एक बड़ी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी मनोज झा ने ये जरूर कहा कि वो हर हाल में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और गठबंधन को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन एक तरफ सीधा सीधा अल्टीमेटम और दूसरी तरफ साथ साथ रहने का दावा फिलहाल समझ से परे है। ऐसे में गठबंधन के तीनों प्रमुख घटक दलों के अलग रुख का इंतजार है। रांची से न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आज की तारीख में झारखंड विधानसभा चुनाव के रण क्षेत्र में दोनों ही गठबंधनों की स्थिति ऐसी है कि एनडीए में बीजेपी आजसू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी शामिल है। तो आईएनडीआईए गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल शामिल है। दोनों ही गठबंधनों की ओर से सीटों का बंटवारा किया जा चुका है। एनडीए की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो आजसू के खाते में 10 सीटें आई हैं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी को 2 और चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट मिली है। दूसरी ओर जेएमएम के खाते में 43 से 45 सीट आई है, तो कांग्रेस के खाते में 25 से लेकर 27 सीट गई है। वहीं आरजेडी को 7 और सीपीआईएमएल को 4 सीटें दी गई है, लेकिन सीट बंटवारे से आरजेडी बेहद नाराज है, नाखुश है। आरजेडी ने सहयोगी दलों को सोमवार सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अलग हो जाती है तो आईएनडीआईए गठबंधन में 3 ही दल बचेंगे। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 2.75% वोट भी मिले थे। आरजेडी के अलग होने से गठबंधन को नुकसान होना संभव बताया जा रहा है। वहीं आजसू ने जारी की है उम्मीदवारों की लिस्ट, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ गई है। और देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित, आजसू ने जारी की है उम्मीदवारों की सूची। गोमिया से लंबोदर महतो, सिल्ली से सुदेश महतो, रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा से नीरू शांति भगत, जुगसलाई से रामचंद्र सहीस, मांडू से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, ईचागढ़ से हरिलाल महतो, पाकुड़ से अजहर इस्लाम। आजसू की तरफ से जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है उनमें ये नाम शामिल हैं, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। आपको बता दें कि अभी अभी ही हमने आपको जानकारी दी कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल और साथ ही साथ अगर हम जुगसलाई से बात करें तो रामचंद्र सहीस, यानी कि कल बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई, तो आज आजसू ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गोमिया से लंबोदर महतो, सिल्ली से सुदेश महतो, रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा से नीरू शांति भगत, जुगसलाई से रामचंद्र सहीस को टिकट दिया गया है। तो ये नाम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, इस लिस्ट में क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास बातों का ख्याल रखते हुए आजसू ने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है? विधानसभा चुनाव के लिहाज से जिस तरह से एनडीए में पिछली बार आपको याद होगा कि आजसू सीट तालमेल नहीं होने की वजह से एनडीए से बाहर चली गई थी, लेकिन जो इस बार एनडीए के साथ आजसू आई है उसमें 10 सीटें आजसू के हिस्से में मिली है। और जो नाम जारी किए गए हैं उन नामों को अगर आप देखें तो 8 नाम जारी किए गए हैं जो पहले से तय, अगर हम नाम के हिसाब से बात करें और उनके विधानसभा सीट के लिहाज से बात करें तो सिल्ली से
आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे। रामगढ़ से सुनीता चौधरी जो कि इस वक्त भी विधायक हैं। लोहरदगा से नीरू शांति भगत को मौका मिला है, पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी। गोमिया से लंबोदर महतो हैं जो इस वक्त भी विधायक हैं। जुगसलाई से जो रामचंद्र सहित हैं वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, पिछले चुनाव में भी थे। मांडू से जिन्हें मिला है वो तिवारी महतो हैं, जिनका नाम निर्मल महतो भी है, वो भी पहले चुनाव लड़े हैं। ईटागढ़ से अगर आप देखें हरेलाल महतो जो हैं वो पिछली बार चुनाव लड़े थे और बहुत चर्चा में थे, इस बार उन्हें फिर से मौका मिला है। और पाकुड़ से अजहर इस्लाम है। इसके अलावा दो विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां से अभी नाम की घोषणा नहीं की गई है, वो है डुमरी और मनोहरपुर। अब ये देखना होगा कि डुमरी और मनोहरपुर के लिए कब नाम की घोषणा होती है। और नाम की घोषणा के साथ अब आजसू पूरे हम कह सकते हैं ताकत के साथ, उनके कार्यकर्ता पूरे ताकत के साथ चुनावी मैदान में होंगे। और सबसे पहले नॉमिनेशन का दौर चलेगा और उसके बाद चुनाव प्रचार का दौर चलेगा। वाकई अविनाश, बहुत ही सोच समझकर इन नामों का चयन किया गया है ताकि चुनावी रणनीतियों को भी साधा जा सके। और ये कोशिश जो पार्टी की तरफ से की जा रही है वो कितनी सफल होगी वो तो विधानसभा का रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को लिस्ट बता देते हैं, आजसू की ये लिस्ट जारी हो गई है। गोमिया से लंबोदर महतो, सिंह से सुदेश महतो, रामगढ़ से जो नाम सामने आया है वो भी आपने देखा, मांडू से निर्मल महतो, ईचागढ़ से हरेलाल महतो, पाकुड़ से अजहर इस्लाम, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये नाम सामने रखे गए हैं। ये प्रत्याशी हैं, आजसू के प्रत्याशी हैं जिन्हें चुनावी रणभूमि में उतारा गया है पूरी तैयारी के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अलग अलग पार्टियों की तरफ से अब उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा। कल बीजेपी के 66 जो उम्मीदवार हैं उनका नाम आपने देखा था और आज ये लिस्ट आजसू की तरफ से जारी की गई है। और अब इंतजार जेडीयू और एलजेपीआरवी के प्रत्याशी के नाम का भी है। और इधर अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो फिलहाल सीटों पर बात नहीं बन पा रही और उसके बाद ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। और बिहार में शराब कांड के बाद अब इस पर सियासत भी चरम पर की जा रही। लालू प्रसाद यादव इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहे तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी लालू प्रसाद यादव को करारा जवाब दिया है। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मौत पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की चीज ही नहीं। शराबबंदी के बाद भी लोग मर रहे हैं। मर रहा है। नाम सरकार नाम का चीज नहीं। आपके खासकर गोपालगंज, सिवान, छपड़ा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। सब ज्यादा। कितना दुखद है। बहुत दुखद है। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए शराबबंदी को विफल बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोग शराब से मर रहे तो दूसरी तरफ सरकार सो रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे जो शराब बंद है और एक तरफ लोग गलत तरीका शराब पी के मर रहे हैं, तो आखिर सरकार कब जागेगी, कब कार्रवाई करेगी। लालू प्रसाद यादव के वार पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा कि जितनी भी मौतें हुई वो जहरीली शराब पीने से हुई है, इसको शराबबंदी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, शराब तो डेली आप देखेंगे तो इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो रही है, प्रायः 200 से अधिक मामले डेली पकड़े जाते हैं, डेली में उन पे कार्रवाई होती है, उनको जेल भेजा जाता है। लालू यादव के वार पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि लालू जी बिहार को एक बार फिर युवाओं को नशे की लत में झोंकना चाहते हैं। लालू जी के चाहने से बिहार में कभी शराबबंदी खत्म नहीं होगी, शराबबंदी है और सख्ती के साथ लागू रहेगी। असल में लालू जी चाहते हैं कि पति पत्नी के शासनकाल की तरह बिहार में एक बार फिर शराब की नदियां बहे, लोग नशे में धुत रहे और बिहार का विकास ठप हो जाए, लेकिन लालू जी की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हैं और ऐसे में शराब कांड पर शुरू ये हुई सियासत कब खत्म होगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और शराब कांड पर तेज सियासत को आप भी समझिए। बिहार में शराबबंदी है लेकिन बावजूद 3 जिलों में जहरीली शराब से मौत हो गई है और अब विरोधी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जहरीली शराब से मौत के बहाने शराबबंदी और सरकार पर निशाना साधा जा रहा है।
हालांकि निशाना साधने वाले नेता भी शराबबंदी की शपथ ले चुके हैं। सबने एक सुर में शराबबंदी की तारीफ की थी, सराहना की थी, और सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं और ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत होना तो लाजमी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास कर दिया। पीएम मोदी ने नए सिविल एनक्लेव का वर्चुअली शिलान्यास किया है और एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर टर्मिनल भवन का निर्माण होगा। 912 करोड़ की लागत से 54 एकड़ में भवन का निर्माण होगा। शिलान्यास के दौरान पटना से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। अस्थायी सिविल एनक्लेव बन जाने से दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा में वृद्धि होगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और इससे दरभंगा सहित पूरे मिथिला का विकास होगा। टर्मिनल भवन को एक साल में करीब 43 लाख यात्रियों की आवाजाही के मद्देनजर डिजाइन किया गया है। और आइए अब जरा दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को हम भी समझते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत 912 करोड़ की लागत से एक नया सिविल एनक्लेव बनेगा। 54 एकड़ जमीन पर टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल कार पार्किंग, फायर स्टेशन बनेगा। इसके अलावा जबकि 24 एकड़ जमीन पर क्लास 1 का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम तैयार होगा और रनवे का विस्तार भी किया जाएगा, जिसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर एक साथ 14 विमानों की पार्किंग हो सकेगी। और एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की वजह से विमानों की आवाजाही रात के समय ही नहीं बल्कि कुहासों के दौरान भी हो सकेगी, यानी कि जब कुहासे लगेंगे ठंड के दिनों में उस दौरान भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और इस तरह से इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। अब आपको बता दें कि 2020 में दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी। नवंबर में एयरपोर्ट शुरू हुआ और अगले 2 महीने में यहां से 1.53 लाख यात्रियों ने आवागमन किया। 2021 और 22 में 6.19 लाख यात्री आए गए तो 2022-23 में 6.17 लाख यात्रियों ने आवागमन किया है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट का महत्व इसी बात से आप समझ सकते हैं कि उड़ान योजना के तहत देश भर में 63 एयरपोर्ट शुरू हुए थे और दरभंगा उन सब में नंबर 1 रहा। ये देश का तेजी से उभरता हुआ एयरपोर्ट है। अगस्त तक 23 लाख यात्री यहाँ से आवागमन कर चुके हैं। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से भारत ही नहीं बल्कि बिहार से सटे नेपाल के लोगों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कार्तिकेय धनजी सचिव पथ परिवहन विभाग में तैनात कर दिए गए हैं। संदीप कुमार आर पुड कलकट्टी के पास भी पथ निर्माण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। रचना पाटिल के पास निदेशक संग्रहालय कला संस्कृति एवं युवा विभाग का अतिरिक्त प्रभार। मिनेंद्र कुमार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रबंध निदेशक बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम बनाए गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।